कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। श्रीरामपुर नाम के गांव में सरिता नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत ही समझदार थी। उसकी लड़की के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सरिता लोगों के यहाँ काम करके अपनी बेटी को पढ़ाती थी। उसकी बेटी सारिका भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, फिर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, जब तुम डॉक्टर हो जाओगी तब मैं एकदम मजे से रहूंगी। ऐसा कह के सरिता अपने काम पर निकल जाती है। वो सारे गांव में काम किया करती थी तो उसकी बेटी सारिका घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। एक दिन सरिता को घर लौटने में देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में एक हैंडपंप के पास गांव के कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। सरिता को देखकर वो लड़के डर जाते हैं। आंटी बचाओ, ये लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ मुझे पता है क्या कर रहे थे, हाथ छोड़ो उसका। ऐसा कहकर सरिता उस लड़की को वहां से ले जाती है। इस सरिता आंटी का कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा। हाँ सच में यार, पिछली बार भी यही बीच में आई थी। इसको रास्ते से हटा देंगे तो हमें कोई भी नहीं रोकेगा। बाकी के लड़के राजू के हाँ में हाँ मिला देते हैं और सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन जब सरिता शाम को घर जा रही होती है तब राजीव और उसके दोस्त पीछे से आकर सरिता पर हमला कर देते हैं। इसमें सरिता अपने प्राण गंवा देती है। वो हैंडपंप के पास पड़कर मर जाती है। दूसरी ओर सारिका अपनी माँ की राह देख देख कर रो रही होती है। तभी सरिता उठकर खड़ी हो जाती है और अरे मुझे क्या हुआ है, मुझे सिर्फ लगा ही तो है। घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, सारिका राह देख रही होगी। तभी उसकी नजर अपनी लाश पर जाती है। अरे ये तो मैं हूँ, मैं यहाँ पर क्यों पड़ी हूँ? वो अपनी लाश को हाथ लगाकर देखती है तब उसे समझ आ जाता है कि वो मर चुकी है। जिसने भी मुझे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सरिता अपने घर चली जाती है। घर में सारिका अपनी माँ की राह देखते देखते रो रही होती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरी बेटी के आंसुओं का बदला लूंगी। अगले दिन सारे गांव वाले हैंडपंप के पास जमा हो जाते हैं और उन्हें वहां सरिता की लाश मिलती है। अरे ये तो सरिता है, इसे किसने मारा? बेचारी की छोटी बेटी है, इसकी तहकीकात पुलिस करेगी। पुलिस पोस्टमार्टम करके बॉडी गांव वालों के हवाले करते हैं। चलो हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन शाम को राजीव गांव के हैंडपंप के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो रुक जाता है। कौन है, सामने आओ। मारते हुए तो डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है। कौन हो तुम, सरिता आंटी तो नहीं? हाँ मैं सरिता हूँ, तुमने मुझे क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ नहीं, वो आप हमें हमेशा टोकती थी ना, इसलिए हमें माफ कर दो आंटी। अब तो मैं मर चुकी हूँ, कल तो तुम किसी भी लड़की को छेड़ सकते हो, क्यों सही कहा ना मैंने? माफ कर दो ना आंटी, आज से किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। अब तो मैं बदला लूंगी मेरी मौत का। ऐसा कह के भूत राजीव को मार डालती है और उसका शरीर गांव के बाहर फेंक देती है। अगले दिन गांव की औरतें पानी भरने के लिए हैंडपंप पर आती है तो वहां उन्हें खून पड़ा हुआ दिखता है। अरे ये सब उस सरिता ने ही किया होगा, लगता है अब वो भूत बन गई है। अरे कुछ भी, ऐसे कैसे होगा, कोई जानवर आया होगा गाँव में। तभी कुछ गाँव वाले राजीव की लाश गाँव में लाते हैं। सारे गाँव के लोग अब उस हैंडपंप से पानी भरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही दो तीन दिन बाद राजीव के साथी कैलाश, राजेश और रवि एक जगह पर बातें कर रहे होते हैं। अरे राजीव ने सरिता आंटी का खून किया इसीलिए उसको मार डाला, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन कैलाश रात को गांव से जा रहा था, वो हैंडपंप के पास आते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी। तो कौन है, ऐसी डरावनी आवाजें कौन निकाल रहा है? क्यों अब आवाजों से डर लगता है, मारते वक्त डर नहीं लगा क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, मुझे मारा था ना? प्लीज सरिता आंटी मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें किस मुंह से माफी मांग रहे हो? प्लीज प्लीज माफ कर दो। सरिता कैलाश को भी मारकर उसकी लाश गांव के बाहर फेंक देती है। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब सरिता ही कर रही है। हम ऐसा करते हैं कि गांव के पंडित जी को पूछ के देखते हैं, क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा। सरपंच जी गांव के पंडित को उनके घर बुलाते हैं।
पंडित जी उनके घर आते हैं। नमस्ते सरपंच जी, बुलाया आपने। नमस्ते पंडित जी, इस गांव में जो खून हो रहे हैं उनके पीछे क्या राज है वो समझना था। सरपंच जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कह के पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और 15 मिनट बाद आंखें खोलते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव की सरिता नाम की औरत का हैंडपंप के पास खून हुआ था। सरिता का भूत अब सरिता के हत्यारों का बदला ले रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई तो उपाय होगा। है, मगर सरल नहीं। हमें इस गांव में शांति के लिए पूजा का आयोजन करना होगा और उन बचे हुए खूनियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना होगा। ये काम अब आपका। जब उन्हें जेल में डालोगे बाद में हम ये पूजा करेंगे। इससे हमारी पूजा सफल होगी और सरिता की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी बेटी को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में डाल देंगे। अब सारे गांव वाले मिलकर बचे हुए खूनियों को ढूंढ कर निकालते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। वे लोग सरिता की बेटी को भी एक अच्छे अनाथ आश्रम में दाखिल करते हैं। अब सरिता का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वो भूतिया हैंडपंप भी अब साधारण हो जाता है और गांव वाले हंसी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान करना बहुत महंगा पड़ सकता है। काशी नाम के एक गांव में राजू नाम का एक आदमी होटल में काम किया करता था। वो हर प्रकार के व्यंजन अच्छे से बना लेता था, खास करके वो बिरयानी और बिरयानी के सारे प्रकार बहुत अच्छे से बनाता था। राजू के हाथों में जैसे जादू ही था। सभी लोगों को राजू के हाथ की बनाई बिरयानी बहुत पसंद थी। उस होटल का मालिक चंदन बहुत ही लालची और शातिर था। वो अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को फंसाता और पैसे ऐंठता था। उसका होटल अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। इसकी वजह से चंदन राजू पर बहुत खुश था। ग्राहकों की ज्यादा बिरयानी की मांग देखकर चंदन राजू को ज्यादा बिरयानी बनवाने को बोलता और राजू से बहुत ज्यादा काम करवाता था। एक दिन राजू को बहुत तेज बुखार आया और उसके पास खुद का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुनो, तुम होटल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे मांग कर लाओ, बाद में वो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। ठीक है। नमस्ते सेठ जी, मेरी पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, वो आने के बाद लौटा देंगे। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि आजकल धंधा कैसे चल रहा है। ये राजू जब तक काम पर नहीं आएगा तब तक तो मेरा नुकसान ही है ना। ठीक है, अब आप आ ही गई हो तो ये 100 रुपए लेकर किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाइए, जाइए। पत्नी वो 100 रुपए लेकर चली जाती है और सोनार के दुकान पर जाकर अपने जेवर बेच के अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है। जब राजू ठीक हो जाता है तो वो अपनी पत्नी के जेवर ना देख के उसे प्रश्न करता है। पत्नी जो सब हुआ वो उसे बता देती है और रोने लगती है। उस दिन राजू होटल जाता है। आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे भरोसे 15 दिन अपना होटल बंद नहीं रख सकता। मैंने तुम्हारे बदले में कोई और ले लिया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राजू वहां से उदास मन से चला जाता है और घर में आकर मायूस होकर बैठता है। क्या हुआ आपको? आए हो तब से मायूस हो, कुछ बोलोगे? अरे जरा चुप भी रहो, यहाँ मेरी नौकरी चली गई है और तुम मायूस होने की बात कर रही हो। क्या आपको उन सेठ जी ने निकाल दिया? आप इतनी मेहनत करते थे, उसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया? हाँ, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या करूँ? और यहाँ पर जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरे मन में एक अच्छी कल्पना आई है। अगर हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो हमारी बिरयानी सबको पसंद आएगी और आपको नौकरी करने की भी चिंता नहीं होगी। वैसे भी आपके हाथों का स्वाद तो लोगों को पता ही है। सब बातें सही है भाग्यवान, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? पत्नी ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले और राजू से बोली, ये लीजिए, अब तो कोई चिंता नहीं है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। पत्नी की ये कल्पना राजू को पसंद आती है। वो एक ठेला किराए पर लेता है और पहले दिन एक बर्तन भर के बिरयानी बनाता है। बाजार में एक जगह ठेला लगा कर वो बिरयानी बेचने बैठता है। उसके बिरयानी की सुगंध इतनी अच्छी आती है कि सब लोग उसकी बिरयानी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसकी पूरी बिरयानी जल्द ही खत्म हो जाती है और राजू घर खुशी खुशी लौट जाता है। अगले दिन से राजू थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाता है और अपनी बिरयानी बेच के धीरे धीरे उसे अच्छे दाम भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपना खुद का ठेला खरीद लेता है। देखते ही देखते राजू का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। ये बात चंदन को जब पता चलती है तब चंदन उसके ठेले पर आता है। अरे राजू, कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने होटल में फिर से नौकरी पर रख लूँ, क्या विचार है तुम्हारा? धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मुझे अब आपके यहाँ काम नहीं करना, मेरा ये छोटा सा ठेला ही मेरे लिए अच्छा है, कम से कम इज्जत तो मिलती है। चंदन को जो समझना था वो समझ गया और वहां से चला गया। जब राजू उसके होटल में काम किया करता था
तब उसका होटल बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन अब राजू ना होने के कारण उसका होटल पहले जैसे नहीं चल रहा था। अपनी लालच की वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ था। इस तरफ अब राजू एक बड़े होटल का मालिक बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था और वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था। राजू अपने गांव में बिरयानी वाला राजू इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले रामपुर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपना छोटा खेत बो के परिवार की परवरिश किया करता था। उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कृष्णा कृष्णा उठो भाई, सूरज सिर पे आया है, कुछ काम वाम नहीं करना तुम्हें? भैया स्कूल शुरू होने में अभी एक महीना बाकी है, क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना। मुखिया जी सुबह आके गए हैं, वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे। कह देना हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ये कह के कृष्णा फिर मुंह पे चद्दर ओढ़ के सो जाता है। हरिया को समझ नहीं आ रहा आखिर इसे कैसे समझाए। इसी विचार में हरिया अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव की नुक्कड़ पे पहुंचता है तब, अरे भाई सुना है मुखिया जी दूसरे गांव से मिस्त्री बुला रहे हैं। वो तो होने ही वाला था, कृष्णा के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश। हाँ और नहीं तो क्या, हरिया भैया की विश्वसनीयता की वजह से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी कृष्णा को दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर हरिया परेशान हो जाता है, क्योंकि कृष्णा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षण नजर आते हैं। क्या करूं इस लड़के का समझ नहीं आता, भगवान ने हुनर तो दिया है लेकिन इसका यह आलसीपन। हरिया थका हारा रात को घर लौटता है। उसकी बीवी उसे खाना परोसती है। बीवी से पता चलता है कि कृष्णा दोपहर 3 बजे उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है। अच्छा यानी आज भी स्कूल नहीं गया, इतना काम पड़ा है लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है। और आज जाते समय रात के भोजन में केरी का अचार बनाने के लिए बोल के गए है। बीवी की बातें सुनते ही हरिया के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो बीवी से नींबू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है। भाभी जल्दी खाना परसो, बहुत भूख लगी है, और हाँ कैरी का अचार भी देना। कैरी का अचार बाहर आंगन में आपके भैया बना रहे हैं। कृष्णा बाहर आता है और हरिया को नींबू के बीज के साथ बैठा देख चकित होता है। भैया ये नींबू के बीज के साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए कैरी का अचार बना रहा हूँ। भैया आप ठीक तो है, नींबू के बीज से आप कैरी उगाओगे? हाँ क्यों नहीं उगेगी। भैया आप ही ने सिखाया है ना, जो बोओगे वही पाओगे। फिर तभी मुखिया जी का आदमी वहां आता है और कृष्णा को बताता है कि मुखिया जी ने स्कूल के काम के लिए नए कारपेंटर को बुलाया है, अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं। अरे मुखिया जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे जैसा एक्सपर्ट कारपेंटर उन्हें आजू बाजू के 10 गांव में नहीं मिलेगा। वो आप उनसे जाके बोलिए, चलता हूँ। अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वजह से कृष्णा बहुत दुखी होता है। कृष्णा अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने आलसी स्वभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कृष्णा, देर से आए दुरुस्त आए, आगे से ख्याल रखना। तो इस प्रकार देर से ही सही कृष्णा की आंखें खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है। पवन एक मैकेनिक था जिसका गांव में एक गैरेज था। गांव के सभी लोग पवन के पास ही गाड़ियां बनाने आते थे। पवन पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा मनीष स्कूल जाओ, स्कूल का समय हो गया है। पवन अक्सर अपने बेटे मनीष को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था, लेकिन मनीष पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। मनीष बोलो 4 पंचे कितना? वो मास्टर जी 16। वाह 4 पंचे 16, बहुत अच्छे, अब हाथ आगे करो। मास्टर जी मनीष को छड़ी से मारा करते थे। अक्सर मनीष सालाना परीक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैठकर समझाता था। बेटा देखो मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर की हालत खराब थी,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। पापा मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। बेटा और मेहनत करो। साल बीते और मनीष उसी तरह परीक्षा में फेल होता गया। अब पवन ने मनीष से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा। बेटा मनीष कल से गैरेज आया करो, कम से कम कुछ काम तो सीख लो। और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनीष को गाड़ियां बनाना सिखाने लगा। मनीष को भी गाड़ियां बनाने का काम बहुत पसंद था। कुछ वर्ष बाद मनीष पवन से भी होशियार मैकेनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करे, लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको, और वो भी खुद की गाड़ी में। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा। उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल बाद मनीष की मेहनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शानदार कार बनाई। देखो पापा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चलो तुम्हारी इस नई कार का उद्घाटन हम देवी माँ के दर्शन से करते हैं। दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। कई किलोमीटर चलने के बाद पवन के मन में एक ख्याल आया। अरे बेटा मनीष, कार में पर्याप्त डीजल तो है ना, हम काफी दूर आ चुके हैं, डीजल खत्म ना हो जाए। अरे पापा उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे, भला बिना तेल के कोई कार कैसे चलेगी? हाँ पापा चल सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बेटा मेरे इतने साल का तजुर्बा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी। पापा आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, रुकिए आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष ने तुरंत कार रोक दी। वे दोनों कार से बाहर आए। पवन कार की जांच करने लगा, तभी उसने पाया कि कार में ईंधन के लिए कोई टैंक मौजूद ही नहीं है। अरे ये कैसे संभव है, इस कार में तो तेल की टंकी ही नहीं है। क्यों पापा, कहा था ना मैंने इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं, ये कार सौर ऊर्जा से चलती है। ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मनीष का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था, तुमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका। मुझे तुम पर नाज है, सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये एक जादुई कार है। सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी अब मैं कम से कम 1 साल गांव नहीं आ पाऊंगा, आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना, अब मेरी सारी आशाएं तुम्ही पर है। हाँ पिताजी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां आ टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे हैं? भगवान की कृपा है, बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो, गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए। देखते हैं। शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है, अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है।
हाँ होनहार है तुम्हारा बेटा, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ, बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से दो शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गाँव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर, सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी, फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गाँव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। ये सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं कुआं कैसे खोदूं, अनाज कैसे बोऊं। घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया? भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो, अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होके सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज्यादा मत खोदिए, हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी, और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या, चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई। डाकिया वहाँ से निकलता है, तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ भाई। डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है, और वो सुनके शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा, कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ। सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या, ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया, सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा यहाँ चमत्कार हो गया है, तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ हाँ, मुझे पता था पिताजी, गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी अब आप मनचाही सब्जियां बोइए, इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था।
सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मन चाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा,